अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्लीट वेबसाइट को इंटरनेट पर किस तरह अपलोड करती है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक होस्ट ख़रीदना होगा और एक डोमेन नेम ख़रीदना होगा जहां से आप लोग ख़रीद सकती हैं, लाइक इजी होस्ट डॉट पी के, गुड एडी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ से आप लोग ख़रीद सकती हैं। इस सेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल इंफॉर्मेशन, करंट यूज़र नेम, प्राइमरी डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, होम डायरेक्टरी, लास्ट लॉगिन। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फाइल्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद बिलिंग एंड सपोर्ट और डेटाबेसेस, डोमेन्स, ईमेल और भी बहुत सारी सेक्शंस हैं। तो फाइल्स के अंदर फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। ओपन, इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड, सेलेक्ट फाइल, फाइल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका वेबसाइट है। इसको सेंड कीजिए, सेंड टू जिप फोल्डर। इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद ओपन करें। फाइल अपलोडिंग। अपलोडिंग फाइल कंप्लीटेड, गो बैक टू होम पर क्लिक। वेब जिप फाइल, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट टू पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर इसको हम रख लेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल, क्लोज। और इस फाइल जिप फाइल को डिलीट करेंगे, डिलीट, स्किप परमानेंट। पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल की जितनी भी फाइलें हम इसके अंदर रखते हैं, इसको ओपन कीजिए। ओपन कीजिए, ओपन, सेलेक्ट ऑल फाइल्स, मूव टू पब्लिक अंडर स्कोर एच टी एम एल, इसके अंदर हम इसको मूव करते हैं, मूव फाइल्स। इसको रिफ्रेश कीजिए, आप इस डोमेन नेम को रिफ्रेश कीजिए। वेबसाइट तो आ गई लेकिन यहाँ पर एरर्स हैं। अब यहाँ पर आ जाए, अब यहाँ पर हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस, माई एस क्यूएल डेटाबेस, इस पर क्लिक कीजिए। डेटाबेस को क्रिएट करती है, इसको मैं नेम दे देता हूँ डोमेन क्रिएट डेटाबेस। गो बैक पर क्लिक कीजिए। डेटाबेस क्रिएटेड ऑनलाइन उस अंडरस्कोर एडमिन, और यहाँ पर यूज़र को क्रिएट करते हैं, इसको नेम देते हैं ऑनलाइन उस अंडरस्कोर जुबेर, और इसको पासवर्ड देती हैं एडमिन अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्रिएट यूजर। गो बैक, यूजर क्रिएटेड। डेटाबेस नेम ऑनलाइन उस अंडरस्कोर एडमिन, और यूजर नेम ऑनलाइन उस अंडरस्कोर जुबेर। अब यहाँ पर आ जाए इंक्लूड्स के अंदर, कनेक्शन डॉट पी एच पी, एडिट, एडिट, यूजर नेम लोकल होस्ट, यूजर नेम सर्वर नेम लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट। यहाँ पर हमने यूजर नेम दिया था ऑनलाइन उस अंडरस्कोर जुबेर, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं यूजर नेम।
और पासवर्ड मैंने दिया था एडमिन अंडरस्कोर जुबैर, और डेटाबेस नेम ऑनलाइन उस अंडरस्कोर एडमिन डेटाबेस नेम, इसको कॉपी करते हैं कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं पेस्ट डबल कोट्स, और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं सेव चेंज, इसको रिफ्रेश करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पर डेटाबेस को इंपोर्ट कर देते हैं पीएचपी माय एडमिन पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन उस अंडरस्कोर एडमिन इसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद इसको इंपोर्ट कीजिए, चूज फाइल इसको ओपन कीजिए डेटाबेस, और इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको ओपन कीजिए ओपन, और गो पर क्लिक कीजिए, डेटाबेस टेबल इंपोर्टेड, इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पर आ जाए एडमिन के अंदर, इंक्लूड्स के अंदर कनेक्शन डॉट पीएचपी, इसको एडिट कीजिए और इसको कॉपी कीजिए कॉपी, और इस कनेक्शन को यहाँ पर पेस्ट कीजिए सेव चेंज, अब यहाँ पर आ जाए और नीचे ऐड यूज़र, इसको प्रिविलेजेस देते हैं मैनेज यूज़र प्रिविलेजेस, यूज़र नेम ही और डेटाबेस ही ऑल पर क्लिक कीजिए ऑल प्रिविलेजेस, और नीचे मेक चेंज गो बैक, और यहाँ पर इसको गो कीजिए, अब इसको रिफ्रेश करते हैं रिफ्रेश, तो आप लोग देख सकते हैं जितनी भी फाइल्स थी वो अपलोडेड हो गई है। स्पॉन्सर्स यहाँ पर कुछ एरर्स हैं, कॉन्टेक्ट डॉट पेज पी, अब यहाँ पर वापस आ जाइए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी इसको एडिट कीजिए एडिट, कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी इसको ओपन कीजिए, यूज़र नेम दिस पासवर्ड दिस डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम यहाँ पर गलत है, डेटाबेस नेम है ऑनलाइन उस अंडरस्कोर एडमिन, लाइन उस अंडरस्कोर एडमिन सेव इज सेव चेंज एंड रिफ्रेश, तो ये हुआ कंप्लीट वेबसाइट कि हम इंटरनेट पे अपना कंप्लीट वेबसाइट को किस तरह अपलोड कर सकते हैं।
ये इवेंट्स है और ये गैलरी है और ये टीम है, स्पॉन्सर्स एंड सब्सक्राइबर कॉन्टेक्ट अस। इसके बाद आप यहाँ से एडमिन को भी विजिट कर सकते हैं, एडमिन यहाँ से कुछ चीज़ अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। स्पॉन्सर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, अपलोड सबमिट। रिफ्रेश तो देखिए अपलोडेड हो गई है। तो आप लोग इसी तरह PHP का कंप्लीट वेबसाइट इंटरनेट पे इस तरह अपलोड कर सकते हैं।